गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में फिर से एक साड़ी हॉल शेयर करने वाली हूँ जो कि मीशो का होने वाला है। अभी जैसे कि हाल ही में हरियाली तेज आने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ साड़ियाँ काफ़ी टाइम से पसंद आ रही थी मीशो की, और उसको मैं विश लिस्ट में करती जा रही थी। और मैंने सोचा था कि 30 तक ये सभी साड़ियाँ मैं मंगाऊंगी, क्योंकि ये साड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इनके रिव्यूज़ मैंने देखे हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है ऐसी साड़ियाँ। तो मैंने टोटल 4 साड़ी मंगाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो ये देखिए 4 पैकेट मुझे कल 2 साड़ियाँ कल रिसीव हुई थी, एक आज रिसीव हुई और एक 2 दिन पहले रिसीव हुई थी। तो जैसे जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, बस उसी तरह से मुझे ये सारी साड़ियाँ रिसीव हुई हैं। क्रॉस कर लिया है और मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर भी किया था, तो शायद कुछ लोग देखे भी होंगे। तो गर्मी बहुत है गाइस, पसीना बहुत आ रहा है। और हाँ, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये वाला मेकअप लुक कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा ग्लोई डोई मेकअप लुक है ये। इसको मैंने क्रिएट किया है रक्षाबंधन के लिए। अगर आप मैरिड हो तो भी इस लुक को कर सकते हो, और अनमैरिड हो, टीन एज हो, तब भी आप इस मेकअप लुक को कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट मेकअप मैंने रखा है। मेकअप लुक पब्लिश हो गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके गाइस चेकआउट जरूर करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करा करिए, और कमेंट करना तो आप लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके भी मुझे आप बताया करो कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, सब कुछ आप बताएंगे ना, तभी तो मुझे पता चलेगा, तभी मैं और बेहतर कर पाऊंगी। सो प्लीज़ गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, प्लीज़ आप एक छोटू सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के, और सबको मैं रिप्लाई भी देती हूँ। सो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं बता दूँ, मैं हूँ मीना, और मैं इस चैनल पर मेकअप, फैशन, ब्यूटी, हेयर केयर, स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, हॉल भी शेयर करती हूँ और कलेक्शंस भी शेयर करती हूँ। तो इन सब टाइप की अगर वीडियो में आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोग के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो साड़ी दिखाती हूँ जिसके लिए मैं बहुत दिनों से एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी कब इसको मंगाऊँ कब मंगाऊँ, लेकिन ये मन हो रहा था कि 30 तक मैं ज़रूर मंगाऊँगी। तो ये वाली साड़ी है लहरिया साड़ी, जी हाँ, मल्टी कलर में साड़ी है। और मैंने इंस्टाग्राम पे कई सारे लोगों के रील भी देखे थे, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको भी मैंने इसके रिव्यू करते हुए देखा था, इसको पहनते हुए देखा था, तो मेरा भी बड़ा मन हो रहा था। ये साड़ी ना स्क्रीन पे इतनी अच्छी दिख रही थी, इतनी अच्छी दिख रही थी कि मैं क्या बताऊँ। चलिए देखते हैं रियल में कैसी लगती है गाइस। तो ये मल्टी कलर की पूरी साड़ी है, और ये जो इसका फैब्रिक है, मैं बता दूँ आपको, ये जॉर्जेट फैब्रिक है, और इसके बॉर्डर पे आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है, आप देख लीजिए, तो पूरा गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है। पूरी साड़ी एज इट इज़ आपको मिलेगी प्लेन, बस इस तरह से आपको लहरिया प्रिंट मिल जाता है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। ऐसी मल्टी कलर की साड़ियाँ, लहरिया साड़ी, गोटा पट्टी वर्क वाली, ये सभी साड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो इस तरह से आपको पूरी साड़ी मिल जाती है। कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, कपड़े के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं। तो और इसका ब्लाउज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ब्लाउज इसका इस तरह से आएगा प्लेन, जो कि लाइट पिंक कलर में है, काइंड ऑफ बेबी पिंक, तो इस तरह से है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर दिया गया, अगर आप स्लीव वगैरह पे या नेक पे अटैच कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। पूरी साड़ी आपको 5.5 मीटर की मिल जाती है, और जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो आई थिंक सिल्क टाइप में है, कुछ देख सकते हैं आप, थोड़ा सा टाइट कपड़ा है। कपड़े की क्वालिटी ठीक ठाक है, ना ही बहुत अच्छी है ना ही बहुत ज़्यादा बुरी है, जैसे आजकल ब्लाउजेस रहते हैं साड़ियों में, बस उसी तरह का सिल्क टाइप का शाइनिंग वाला फैब्रिक है। और इसका जो लेंथ है ये 80 सेंटीमीटर को का आपको ब्लाउज मिल जाता है। तो ये हो गई ब्लाउज की बात, और साड़ी तो भाई बहुत ही अच्छी है, जैसे दिखी थी वहाँ पे वैसी ही है, तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, और किसी भी स्किन टोन के ऊपर बहुत ही अच्छे से जाएगी, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी साड़ी मुझे ये लगी है। तो मैंने सोचा था मैं जब भी आप लोग को दिखाऊँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यही साड़ी मैं आपको दिखाऊँगी, तो बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है। तो ये हमारी फर्स्ट साड़ी,
कुछ इस तरह से है। पूरी साड़ी आपको प्लेन मिलेगी, इसी तरह प्लेन भी नहीं है, बस वही लहरिया प्रिंट है। आपको इसमें सारे कलर देखने को मिल जाएंगे और इस साड़ी के साथ आप ना किसी भी कलर का ब्लाउज मिक्स मैच करके पहन सकते हो। जैसे आपने कभी इसके साथ पिंक पहन लिया, कभी व्हाइट पहन लिया, कभी ग्रीन पहन लिया, कभी येलो कर लिया, मतलब कई बार आप इस साड़ी को मल्टीपल तरीके से पहन सकते हो। तो पूरी साड़ी में इसी तरह से गोटा पट्टी का वर्क मिलेगा आपको, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो गाइज ये रही हमारी फर्स्ट साड़ी, मैं फटाफट से दिखा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन मैंने ऑफ। और जो सेकेंड साड़ी है उसका भी मैंने कई बार रिव्यू, मतलब कई सारे लोगों का रिव्यू मैंने देखा था। जब भी मैं कोई सामान परचेस करती हूँ ऑनलाइन तो उसके रिव्यू पहले देख लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ अपनी सेकेंड साड़ी। अगेन ये देखिए नेट फैब्रिक में ये साड़ी है, इसको सैंटलेन लेस बोलते हैं आई थिंक। तो ये इसको मैंने पर्पल कलर में पिक किया है। इसमें कई सारे कलर अवेलेबल थे, इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल थे। इसमें रेड था, ग्रीन था, येलो था, ब्लू था, पर्पल था, मतलब कई सारे कलर थे। तो मुझे ये पर्पल अच्छा लग रहा था तो मैंने ये पर्पल मंगाया है। इसमें देखिए पूरी साड़ी ऐसी ये नेट की आएगी और ऊपर इस तरह से मोती को पेस्ट करके रखे हैं, लेकिन ये अच्छे तरह से पेस्ट नहीं है, निकल जा रही थी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, तो ये देखिए ये मोती इस तरह से निकल जा रही थी। तो ये मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अगर हम वॉश करेंगे तो मुझे डर है कि ये पूरा निकल जाएगी, अगर हम हैंड वॉश भी करते हैं तो पूरी साड़ी आपको सेम ऐसे मिल जाती है। और ये जो आप बीड देख रहे हैं, ये मोती आप देख रहे हैं, इसको आपको आंचल पे फुल बीड्स मिलेगी। और बाकी आपको स्कर्ट एरिया में जहाँ हमारे प्लेट आते हैं बस वहाँ नीचे नीचे तक 1-1.5 फुट तक मिलेगी आपको। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मैं सोच रही पूरी साड़ी ऐसी है तो क्या मैं ओपन करूँ इसको पूरा। चलो आप ट्राई ऑन देखेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो ये पूरी साड़ी इस तरह से है और सबकी प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख गई होगी। और इस वाले साड़ी में भी कई सारे कलर अवेलेबल थे। ये साड़ी मुझे अंडर 500 मिल गई थी, आई थिंक 4 रुपीज़ की मुझे ये वाली साड़ी मिली थी। और 400 समथिंग ये वाली साड़ी मुझे मिली थी, जो भी होगा मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, याद नहीं है क्योंकि कई सारी साड़ियाँ इकट्ठा मंगा ली थी। आई थिंक मुझे 390 रुपीज़ की ऐसी ही मिली थी। तो पूरी साड़ी ये वाली साड़ी ऐसी ही है। मैं एक मिनट खोल के दिखा भी देती हूँ आपको। और इस साड़ी में पूरे इस तरह से बॉर्डर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। और इस तरह से नेट मिल जाएगा आपको, ये देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगा। और ये वाली साड़ी ना, सच बताऊँ ना, जितना मुझे वहाँ पे देखने पे अच्छी लग रही थी, जितना लोगों को पहने हुए देख के अच्छी लग रही थी, स्क्रीन पे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं कैमरे में बहुत ही खूबसूरत दिख रही, बट इसका जो कलर है ना पर्पल, डार्क पर्पल है और स्क्रीन पे थोड़ा सा लाइट पर्पल दिख रहा है। और ये ना इसकी फैब्रिक के अंदर मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये ना थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है, डल सा कलर लग रहा है इसका। तो स्क्रीन पे तो ऐसे बहुत अच्छी लग रही है, पता नहीं मेरे को ही ऐसे रिसीव हुई कि सभी के पास ऐसे गई, पता नहीं सबने तो बहुत तारीफ की थी, आई डोंट नो। बट मुझे ये साड़ी थोड़ा सा कम समझ में आ रही, क्योंकि इस फैब्रिक के अंदर ना शाइनिंग नहीं है, और जब तक कपड़ों में शाइनिंग नहीं होती ना, वो जैसे पुरानी सी मुझे डल सी लग रही है। जैसे लग रहा है ना कि जैसे कोई भी नया कपड़ा एक दो बार पहन लेते हैं तो उसे डल सा हो जाता है, बस उसी टाइप का मुझे लग रहा है इसका, इस कपड़े में शाइनिंग नहीं है। तो बाकी साड़ी तो अच्छी है, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, बस मुझे इसमें दो चीज़ नहीं अच्छी लगी। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ कि इसकी जो ये बीड्स है ये पेस्ट है, निकल सकती है, और इसका जो कपड़ा है, कपड़ा वगैरह सब कुछ अच्छा है इसका, बस इसका जो शाइनिंग होता है फैब्रिक में वो नहीं है। तो ये रही हमारी सेकेंड साड़ी। और प्राइस वाइज तो मैं बात करूँ, प्राइस वाइज तो बहुत ही अच्छी है, मतलब इसकी जैसा प्राइस है उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, है ना। आपको 400 में क्या मिलेगा, तो उस अकॉर्डिंग ठीक ही है। अगर आप पहनना चाहते हैं एक दो बार भी पहन लेंगे तो पैसा वसूल हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट साड़ी की तरफ। तो अगेन मैंने मंगाया है एक लहरिया साड़ी, जो कि अगेन मल्टी कलर में है। जैसे मैंने बताया कि लहरिया साड़ी का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, तो ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं बताऊँ ना, इसका कपड़ा सेम है, बट ये वाली बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लग रही है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है। जितनी साड़ियाँ मैंने मंगाई सारी भी लाइट वेट ही हैं, गर्मियों के लिए बेस्ट रहेंगी। जैसे कि अभी तीज में आप ना
तीज आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, फिर हर तेल का तीज आएगी, तो उन सबके अकॉर्डिंग ये साड़ियाँ बेस्ट हैं। अगर आप कुछ ग्रीन, रेड, पिंक से हट के कोई कलर पहनना चाहते हो तो इस सब टाइप का कलर आप पहन सकते हो। तो ये भी साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, अगेन लहरिया प्रिंट की ही है और पूरे बॉर्डर में रनिंग आपको इस तरह से गोटा पट्टी का पूरा वर्क मिल जाएगा आपको। और ये साड़ी आप देख सकते हैं फिरोजी ब्लू और क्या बोलते हैं पिंक, रेड और ये देखिए ऑरेंज, पीचेस, सब पिंक के सारे कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मल्टी कलर की साड़ी है आप, तो ये भी किसी भी तरह के ब्लाउज के साथ में मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। और इस साड़ी का ब्लाउज कुछ इस तरह से है, रेड कलर में है और बॉर्डर दिया गया है, यहाँ पे स्लीव वगैरह पे अटैच करा सकते हैं। तो पूरी साड़ी आपको मैं दिखा देती हूँ, पूरी साड़ी आपको ऐसे ही मिलेगी, ये देखिए। और ऊपर आपको इस नीचे की साइड आपको रेड देखने को मिलेगा और ऊपर की साइड आपको मैं दिखाऊं तो इस तरह से, ये देखिए पूरी साड़ी कुछ इस तरह से आएगी। और कपड़ा इसका बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है कपड़ा इसका, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत 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 मुझे साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये साड़ी भी बहुत खूबसूरत लगी, इस दोनों साड़ियाँ अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। ये साड़ी मुझे अंडर 600 मिली थी, आई थिंक मुझे ये साड़ी 548 रुपीस की मिली थी, जो भी होगा स्क्रीन पे लगा दूंगी आप देख लीजिएगा। और मीशो पे जो दाम है नीचे ऊपर होता रहता है, तो प्लीज आप लोग बाद में ये मत कहिएगा कि आपने इतने में दिखाया था, यहाँ पे इतने मिल रही। तो जैसे कि अभी भी रक्षाबंधन और तीज की सेल आने वाली है, तो हो सकता है ये प्राइस आपको और कम दाम, मतलब प्राइस और लो मिल जाए आपको, तो वहाँ देख सकते हैं आप। और ये रक्षाबंधन के लिए और तीज के लिए तो बेस्ट हैं ये सभी साड़ियाँ। जैसे कि अगर आप न्यूली ब्राइड हो और गर्मी तो है ही, कोई कहने वाली बात नहीं, और भारी भरकम साड़ी या भारी भरकम कुछ भी कैरी नहीं करना चाहते, तो ये सब साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा हल्की, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड हैं, तो इनको डेफिनेटली ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साड़ी की तरफ, तो हमारी ये फोर्थ और लास्ट साड़ी है, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये साड़ी बाप रे, मैं 2 महीनों से सोच रही हूँ लूँ 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 लूँ, मैं कार्ट में करके रखी थी, मैं सोच रही थी अभी लूँगी, तभी पता नहीं मेरे क्या दिमाग में चल रहा था कि मैं लूँगी तो रक्षाबंधन 30 तक ही लूँगी। तो इसमें जो चारों साड़ियाँ मैंने मंगाई है सब अपने लिए मंगाई है, और कुछ मैं मतलब 30 पे मैंने सोचा है पहनने के लिए, राखी पे भी सोचा है, तो बस कुछ इस तरह से इसको मैंने सोचा है राखी पे, राखी के लिए मैंने इसको मंगवाया है, राखी के लिए सोच के। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी पार्टी वियर साड़ी है, और इसका सबसे पहले मैं ब्लाउज आपको दिखाती हूँ। तो इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है 80 सेंटीमीटर मिल जाता है, जितनी भी साड़ियाँ मैंने मंगाई है सब कुछ मीशो पे आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है कितना कितना ब्लाउज का फैब्रिक मिलेगा, कितना आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे सारी जितनी साड़ियाँ मैंने मंगाई है सबकी जो लेंथ है 5.5 मीटर है, तो किसी भी मतलब अगर आप लंबे हो या मतलब पतले हो, दुबले हो, चाहे जैसे हो, सारी साड़ियाँ सबको फिट आने वाली हैं। तो इस तरह से 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज मिलेगा। इस पर देखिए सिल्वर सीक्वेंस वर्क है, और सीक्वेंस वर्क भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। मैं ब्लाउज खोल के आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो इसका जो फैब्रिक है ब्लाउज का, ये वेलवेट का है, वेलवेट के ऊपर आपको सीक्वेंस वर्क मिल जाता है। और इसका मैंने सोचा है ब्लाउज, मैं इसका ब्लाउज बहुत अच्छे से स्टिच करने वाली हूँ, तो देखिए पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। तो ये इसका फैब्रिक हो गया, जब मैं स्टिच करूँगी तो उसका भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो जो इसकी साड़ी है मैंने इसको फिरोजी कलर में मंगाया है, आप देख सकते हैं स्काई ब्लू भी बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा डार्क है, लाइट नहीं है। तो ये पार्टी वियर साड़ी है, पूरी साड़ी आपको इसी तरह से मिल जाएगी, प्लेन है, आपको मैं दिखा देती हूँ, पूरी साड़ी आपको प्लेन मिलेगी इसी तरह से। और आपकी साड़ी के बीच में देखिए इस तरह से, देखिए थोड़ा सा जैसे थ्रेड है, सिल्वर कलर नहीं, सिल्वर नहीं है, फिरोजी कलर का जो शाइनिंग वाला थ्रेड है उससे देखिए इस तरह से लाइनिंग की गई है। तो इस तरह से ये पूरी साड़ी है, जो कि आप इसको डे फंक्शन में भी पहन सकते हैं, नाइट फंक्शन के लिए भी बेस्ट है। सो गाइज इस तरह से ये पूरी साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी ये भी है, और जितनी भी साड़ियाँ मैंने मंगाई है 600 के अंदर ही है। ये वाली साड़ी मुझे 400 समथिंग मिल गई थी,
तो इस तरह से पूरी साड़ी है ये, और नाइट फंक्शन के लिए तो ये साड़ी बेस्ट है। मैंने इसको रक्षाबंधन में पहनने का सोच के मंगाया है, तो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है गाइस, बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। तो इसमें जितनी भी, और इसमें भी कलर ऑप्शन थे, काफ़ी सारे कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल थे, बट मुझे ये कलर पसंद आया काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर थे, आपको बहुत ही डेफिनेटली पसंद आएंगे। इस कलर की मेरे पास कोई साड़ी थी नहीं, एक है बट उसमें नेवी ब्लू कलर भी मिक्स है, बट मुझे प्लेन चाहिए था इस कलर का, तो मैंने यही सोच के मंगवाया है। तो ये सभी साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं प्राइस वाली। बस मैं एक साड़ी से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ, इस वाली साड़ी की काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है, बट पता नहीं क्यों उतनी मुझे पसंद नहीं आई जितनी तीनों साड़ियाँ पसंद आई हैं। इसका जो कपड़ा है थोड़ा सा डल है, इसमें इसी कपड़े में अगर थोड़ी सी शाइनिंग होती ना तो कपड़ा बहुत ही अच्छा लगता, और इस साड़ी में भी आपको काफ़ी सारे कलर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप लोग जाके, मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी ऑरेंज, ग्रीन, येलो, लाइट पिंक, डार्क पिंक, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन थे, बट मुझे यही वाला कलर पसंद आया तो मैंने यही वाला मंगाया था। सो गाइज, ये थी मेरी आज की साड़ी हॉल जो कि मैंने मीशो से परचेस की है। आप तो जानते हो मीशो इंडिया का बेस्ट रिसेलिंग ऐप है, आप मीशो पे सामान खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मुझे मीशो से शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वहाँ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस पे मिल जाती हैं, होलसेल प्राइस पे मिल जाती हैं। तो आप लोग इसमें जो भी साड़ियाँ हैं आप तीज के लिए, रक्षाबंधन के लिए, किसी भी फेस्टिवल के लिए परचेस कर सकते हैं बेच हिजक। तो बस यही थी मेरा आज का साड़ी हॉल, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखें अगर मैं आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है। और इनमें से आप कुछ भी परचेस करते हैं, कोई भी साड़ी परचेस करते हैं ना, तो उसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा, मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होगी, और मैं अपने कम्युनिटी पे उस पिक्चर को शेयर करूँगी अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक लिए टाटा बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।